हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ में एक शुभ प्लांट के बारे में बात करूंगी। और प्लांट देखते आप लोग तो समझ ही गए होंगे कौन सा प्लांट है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत और हमेशा आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करने वाला, ये हमारा मोरपंखी। और इनको थूजा के नाम से भी जाना जाता है और इनको विद्यादायिनी पौधा भी बोला जाता है। और अक्सर सब लोग को पता ही होगा कि मोरपंखी के क्या क्या काम हैं और इनके कुछ मेडिसिन वैल्यू भी। दोस्तों, इनके जो बीज वगैरह होते हैं बहुत ही बीमारियों के काम आते हैं। प्लस इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनको भी अक्सर लोग ऐसी कोई बीमारी होती है जिसमें इनको बॉयल करके पीते या फिर लगाते हैं, तो मेडिसिन प्लांट भी है। साथ में ये लकी प्लांट है जिसको हम शुभ पौधा भी बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, मोरपंखी जिसके घर में होता है ये एक आपके घर में पॉजिटिविटी लाता है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में होती हैं या आने वाली होती हैं उनको दूर रखती हैं। बिल्कुल भी आपके घर के अंदर निगेटिव एनर्जी अंदर आने नहीं देती हैं। तो ये पौधा बहुत ही लाभकारी और शुभकारी भी है, इस तौर पे लगाते भी हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दोस्तों, किस तरीके से इनको लगाना है और क्या क्या लगाते टाइम कौन सी बातों का ध्यान रखना है, केयर कैसी करनी है, किस मिट्टी में लगाना रखना का है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ। साथ साथ में बताऊँगी कि इनके लाभ क्या है लगाने के। तो वीडियो में आप लोग सभी लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, हमारा ये मोरपंखी दोस्तों मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। सबसे पहले बता दूँ, ये दोनों प्लांट्स मैंने दोस्तों कटिंग से तैयार किए हैं और इनकी देख सकते हैं मदर प्लांट हमारा ये है। आप बिल्कुल इस तरीके से देख सकते, थोड़ी सी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है और इनको बंदरों ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है, फिर भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो यहाँ से मैंने इनकी कटिंग लेके ये प्लांट मैंने तैयार किए हैं। बहुत ही जिसको बोलते हैं ना, ये बहुत बुशी हो गया है। तो ये इनको भी अगर मैं कटाई छटाई कर दूँ ना, अभी नहीं बट रेनी सीजन जैसे आएगा उस टाइप इनकी मैं कटाई छटाई करूँगी ताकि और भी घने होते जाएँ। और मैं दिखा दूँ इनका जो कंडीशन दोस्तों, थोड़ा सा बुरा है क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। उनमें सीड भी इस तरीके से बन रहे हैं, प्लस ये धूप में नहीं रखा फ़िलहाल। इनको बता दूँ, पार्शियल धूप मिलती है और ये वाला जो है हमारा, ये इनको सिर्फ मॉर्निंग की धूप एक आध घंटे की मिलती है। और देख सकते हैं कितनी अच्छे से इनमें ग्रीनरी बनी हुई है दोस्तों, बहुत ही प्यारे और कितनी बंधी हुई है मोरपंखी बोल सकते हैं इन्हें अच्छे से। तो इनको मैंने दोस्तों कटिंग से तैयार किया है दोनों, अलग भी किए मैंने। वैसे कई प्लांट्स तैयार किए जिसमें से दो ही सक्सेस हुए हैं, तो ये कटिंग से इजीली लग जाते हैं, सीड से भी ग्रो होते हैं। जैसे कि मैं दिखा दूँ इस तरीके के सीड बनते हैं। तो इनको अभी तो फिलहाल ये प्रॉपर पके हुए नहीं है, जब ये पक जाएंगे तो एक ब्लैक हो जाएगा, एक खुद फूट कर दोस्तों ब्लैक कलर की सीड बना देते हैं। अभी प्रॉपर पके नहीं हैं, बट अगर जब ये पक जाएंगे तो इनको हम सॉइल में डाल के पौधा तैयार कर सकते हैं। लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 या 6 महीने लग जाते हैं। सेम कटिंग का भी वही है, कटिंग में 2 या 3 महीने लग जाते हैं इनके रूट बनने में, बट कटिंग बेस्ट ऑप्शन दोस्तों मैं मानती हूँ, क्योंकि जितनी बड़ी कटिंग लगाएंगे उतना ही बड़ा पौधा आपको तैयार होके मिलेगा। और सीड में तो थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है, तो उनमें टाइम लग जाएगा। तो ये तो हो गया इनको ग्रो करने की बात। बात करते हैं इनकी केयर की, केयर किस तरीके से हम इनकी करें। सबसे पहले दोस्तों, ये इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है, ये आउटडोर प्लांट है। इनको अगर अच्छी सी धूप मिलेगी 3-4 घंटे की तो बहुत अच्छे से सरवाइव करेंगे। प्लस दोस्तों, इनको अगर हम सिर्फ इनको पानी की ज़रूरत होती है, जब हम मिट्टी बनाते हैं उस टाइम पे इनके लिए हमें बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। इतनी भी वेल ड्रेन ना बना दें कि सिर्फ सैंड सैंड सॉइल ही कर दें। उसमें आपको 80% गार्डन सॉइल लेना है, 10% आपको सैंड सॉइल लेना है, 10% आपको बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लेके बना देना। इससे क्या होगा, मिट्टी आपकी अच्छी सी बन जाएगी, वेल ड्रेन मिलेगा, प्लस थोड़ी सी नॉर्मल मिट्टी भी रहेगी। इससे आपका जो प्लांट होता है ना अच्छे से चल जाएगा। सालों साल दोस्तों चलता है प्लांट, ऐसा नहीं है बस 1-2 महीने या कुछ दिनों के ही ये होते हैं। मैं बता दूँ, ये मेरे पास 4 साल से है। मैंने जब गार्डनिंग शुरू कर दी तब से मेरे पास अभी बहुत ही ज़्यादा हाइट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने कट करके इनको थोड़ा सा बुशी बनाने की कोशिश करी है। तो और इसी गमले में लगा था, इसी गमले में आज तक ऐसे दोस्तों लगा हुआ है
और ये भी है, तो ये भी उस तरीके से भी रूट बाउंड हो रहा है 6 इंच के गमले में, तो उसको मैंने लगाया हुआ देख सकते हैं। ड्रेनेज भी इनका अच्छा से मैं करके रखती हूँ, अभी वाटरिंग करी जिसकी वजह से पानी इस तरीके से है, इसमें भी है। और ये देखिए इसमें खुद ब खुद इस तरीके से टर्टल वाइन उगी हुई है। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों केयर करने की, मिट्टी बनाने की। धूप इनको 4-5 घंटे ही मिलेगी तो अच्छे से चल जाएगा, इनडोर बिल्कुल मत रखिएगा। डिफरेंस दिखा दूँ मोर पंखे की दोस्तों, ये मैंने 4 साल पहले लाया था, ये मैं अभी 2 साल पहले लेकर आई थी। इनकी देखिए पत्तियाँ इस तरीके से लंबी लंबी सी हैं और इनकी थोड़ी सी छोटी और बुशी टाइप से हैं, यानी कि दोनों मोर पंखे के भी टाइप से दोस्तों होते हैं। और देखिए इस तरीके से पत्तियाँ अगर सूख रही हैं ना तो इनको आप ज़रूर रिमूव कर दें, इससे क्या होगा पत्तियों की जो ग्रोथ है दोस्तों अच्छे से होती रहेगी। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है क्योंकि ये सारी एनर्जी लेते रहते प्लांट की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। और सीड अगर आप चाहें तो बनने दीजिए, अगर नहीं चाहते तो इनको आप हटा दीजिए, क्योंकि सीड की नीड फ़िलहाल हम लोगों को नहीं होती है, असल में पौधों चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इनके लगाने के फ़ायदे। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये एक शुभ प्लांट है और ये नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है। आपके घर में कोई भी ऐसी परेशानियाँ प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो सारी चीज़ें ये पौधे दूर रखते हैं। अगर आप इनको ईशान कोण में लगाते हैं, ऐसा माना जाता है जो ईशान कोण होता है वो भगवान की दिशा होती है, उस दिशा में इस पौधे को अगर लगाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके घर में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी बिल्कुल भी एंटर नहीं कर पाएगी ये पौधों से। अगर आपके तरक्की में कोई बाधा हो रही है तो ये भी आपके उस बाधा को पार कराते हैं। प्लस इनकी जो पत्तियाँ होती हैं लोग बुक्स में रखते हैं, और ऐसा माना जाता था अब का तो नहीं बोल सकती, पहले लोग क्या करते थे बुक्स में रखते थे तो बोलते कि हमें ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा, इस टाइप से बोला जाता था। तो एक ये विद्यादायिनी प्लांट है, शुभ प्लांट है, आपकी तरक्की और लकी प्लांट तो ये। अगर इनको आप घर में रखते हैं तो आपके घर में आमदनी की बढ़ोतरी होती है, आपके बिजनेस में भी बढ़ोतरी होती है। अगर कहीं आपका रुका हुआ धन होता तो वो भी जल्दी से मिल जाता है, जैसे हम लोग कभी कभार किसी को उधारी दे देते नहीं मिलता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको जल्दी मिल जाती हैं। और अभी जो होती हैं नेगेटिव एनर्जी की अगर बात करूँ दोस्तों, तो इसको अगर लगाते हैं तो कोई भी आपके घर में ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी है, तो इनको इस तौर पर लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर आपको इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है तो आप इनको सिर्फ ग्रीनरी के लिए ही ऐड करिए, आपके गार्डन में हरा भरा बना रहेगा, ठीक है। आप इस चीज़ के लिए भी अपने मोर पंखे को लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको इन सब बातों पर बिलीव करें तभी आप इन पौधों को लगाएं। तो इसलिए हम लगाकर, वैसे मुझे प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके के लगाना, मोर पंखे तो बेस्ट होगा ही। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस तरीके की सुख शांति आपके घर में समृद्धि लाए तो ये पौधा दोस्तों बेस्ट है, आप अपने घर में लगाइएगा, नेगेटिव एनर्जी को दूर रखते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों, हमारी मोर पंखे प्लांट के ऊपर केयर और इनके फ़ायदे भी मैंने बताए मोर पंखे के क्या क्या हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों एक मेन इम्पॉर्टेंस मैंने बात बताना भूल गई कि जब भी आप कोई प्लांट्स मोर पंखे का लाते हो नर्सरी से ख़रीद के, तो हमेशा 2 लाइएगा, एक बिल्कुल भी नहीं, हमेशा 2 प्लांट लाने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होता है, ऐसा माना जाता है दोनों जोड़े होते हैं, जो जिसे कभी कभी हम लेते हैं मैरिड लोग हैं तो जोड़े से लीजिएगा, पति पत्नी ऐसा माना जाता है। तो 2 ही ले, फिलहाल मैं 1 ही लाई थी, लेकिन मैंने ये जब दोबारा परचेज़ किया तो 2 पौधे लाए थे, 1 ये वाले हैं 1 ये वाले हैं, और यहाँ कटिंग भी मेरी 2 ही सक्सेस हुई है। तो सबसे अगर मैं बोलूँ सबसे बेस्ट हमारा यही दोनों चल रहे हैं जो मैंने कटिंग से तैयार किया है। और इसी तरीके से दोस्तों आप भी तैयार करिएगा। ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों आप लोगों के लिए, क्या लाभ है इनके लगाने के और इनको किस तरीके से लगाते हैं, किस मिट्टी में लगाते हैं, ये सारी जानकारी थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जब इस तरीके की वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।